नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट। कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू, 4 ब्रेड, 1 कटोरा गाजर, 1 कटोरा छोटा धनिया हरा, 1 कटोरा प्याज। अभी हम बर्तन में मसले हुए आलू डालेंगे। अभी हम ब्रेड को ऐसे तोड़ के छोटे छोटे डालने हैं। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, उसके बाद हम गाजर डालेंगे, अभी हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, अभी हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, अभी डालेंगे हल्दी 1 छोटा आधा चम्मच, अभी हम इसमें डालेंगे काला नमक 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार। अभी हम इन सबको अच्छे से मसल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमने एक प्लेट में सूजी लिया है। अभी हम कटलेट बनाएंगे, हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ऐसा, फिर थोड़ा सा हम लोगों को एक गोला लेना है, फिर उसको हम गोल करेंगे अच्छे से और उसको दबा देंगे हथेली में रख के, फिर उसको साइड से ऐसे घुमाएंगे, क्योंकि हमारे कटलेट फटेंगे नहीं, अच्छे से मुलायम बनाने हैं हमको, ऐसे बनाने हैं एकदम मुलायम। उसके बाद मैंने रवा लिया है, उसमें कोटिंग करेंगे ऐसे अच्छे से और फिर इसको फ्राई करेंगे हम लोग। अभी मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है, उसमें 6 चम्मच तेल डाला है। अभी हमने गैस हल्का कर लिया है और उसमें हम लोग जो कटलेट बनाए हैं उनको डाल देंगे और इनको धीमी आंच में पकाने हैं। इनको हम अच्छे से पलटी मारेंगे। आप लोगों को डीप फ्राई भी कर सकेंगे तो कर लेना। अब हमारे कटलेट बन चुके हैं, हम इनको बाहर निकालेंगे। अब हमारे कटलेट बन चुके हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें।